हेलो फ्रेंड्स, आज हम निडलिस्टिक इंजरी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि निडलिस्टिक इंजरी क्या होती है, इससे सबसे ज़्यादा खतरा किन्हें होता है, कौन कौन से ऐसे डिवाइस हैं जो इस इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, यह कब होती है, यह कहाँ होती है, इससे कौन से संक्रमण का खतरा होता है और इस इंजरी के होने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। निडल स्टिक इंजरी वह इंजरी होती है जो नीडल के शार्प पॉइंट के द्वारा दुर्घटनावश स्किन को पंक्चर करने से होती है। यह एक तरह का परक्यूटेनियस परसीविंग बूंद है जो नीडल या कभी कभी अन्य शार्प इंस्ट्रूमेंट्स के कारण होता है। यह उन लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक होता है जो सिरिंज या अन्य शार्प पॉइंट वाले इंस्ट्रूमेंट्स के साथ काम करते हैं। सबसे ज़्यादा खतरा किन्हें होता है? नीडल स्टिक इंजरी का सबसे ज़्यादा खतरा हेल्थ केयर पर्सनल और उनमें भी ऐसे लोगों को ज़्यादा होता है जो डायरेक्ट पेशेंट केयर से जुड़े होते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, ओटी पर्सनल, इमरजेंसी केयर प्रोवाइडर, लेबोरेटरी असिस्टेंट और बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल करने वाले। किन किन डिवाइसों से निडल स्टिक इंजरी हो सकती है? निडल स्टिक इंजरी किसी भी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स या निडल के थ्रू हो सकती है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे डिवाइसेस आइडेंटिफाइड हैं जिनसे निडल स्टिक इंजरी के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे डिस्पोजेबल सिरिंज, सर्जिकल ब्लेड्स, सूचर नीडल, विंग्ड स्टील नीडल, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स, आईवी नीडल्स, स्कालपेल्स और ग्लास। यह इंजरी कब होती है? मेडिकल केयर में कुछ प्रोसीजर ऐसे होते हैं जिनमें नीडल स्टिक इंजरी का खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि नीडल को डिस्पोज करते समय, इंजेक्शन देते समय, ब्लड निकालते समय, नीडल को रीकैप करते समय, इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन करते समय, बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल करते समय और लेबोरेटरी में टेस्टिंग करते समय। इस इंजरी के चांस सिरिंज या किसी मेडिकल डिवाइस को यूज करने के बाद और डिस्पोज करने से पहले 70% तक होते हैं। वहीं यूज करने से पहले और यूज करने के दौरान 20% और प्रोसीजर करने के दौरान और डिस्पोज करने के बाद 10% तक चांसेस होते हैं। नीडल स्टिक इंजरी हॉस्पिटल में जिस किसी भी एरिया में नीडल या कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, वहां पर नीडल स्टिक इंजरी के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे पेशेंट रूम में, यानी पेशेंट के ट्रीटमेंट के दौरान, जैसे वार्ड में, आईसीयू में, ऑपरेशन थिएटर में, सर्जरी के दौरान, एनेस्थीसिया के दौरान या अन्य कोई प्रोसीजर करते समय, इंस्ट्रूमेंट्स क्लीनिंग में शार्प पॉइंट वाले इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन करते समय, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में कुछ इन्वेस्टिगेशन या माइनर प्रोसीजर करते समय और लेबोरेटरी में टेस्टिंग करते समय ये इंजरी हो सकती है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, यानी निडल स्टिक इंजरी होने के बाद कौन से संक्रमण का खतरा रहता है और वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस संक्रमण के खतरे को बढ़ा देते हैं। इस इंजरी के होने के बाद संक्रमण के खतरों में सबसे पहले HIV जो कि 0.3% तक चांस होते हैं, हेपेटाइटिस बी यानी HBV के 30% तक और हेपेटाइटिस सी यानी HCV के 3-10% तक चांसेस होते हैं। रिस्क फैक्टर की बात करें तो अमाउंट ऑफ ब्लड यानी एक्सपोजर में कितना ब्लड इन्वॉल्व था, निडिल या शार्प का साइज और टाइप क्या था, इंजरी की डेप्थ क्या थी और फ्लूड में कितने माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे। मैनेजमेंट ऑफ निडल स्टिक इंजरी, यानी निडल स्टिक इंजरी होने पर
क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। निडल स्टिक इंजरी होने पर सबसे पहले वुंड और उसके आसपास के एरिया को नल के पानी में साबुन की सहायता से अच्छी तरह क्लीन करना चाहिए। वुंड में किसी भी तरह का क्लोरीन, बीटाडीन, एल्कोहल या कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का उपयोग नहीं करना चाहिए। निडल स्टिक इंजरी यदि फिंगर पे हुई है तो उसको मुंह में ना लें। इंजरी वाली जगह को प्रेस ना करें। जब भी ऐसे एरिया में काम करने जाएं जहां पर निडल स्टिक इंजरी का खतरा हो सकता है तो वहां पर सारे बायोसेफ्टी प्रिकॉशन अवश्य लें। इसके बाद तुरंत अपने हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करें ताकि आगे एक्शन लिया जा सके। पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट बिना देरी किए हुए विद इन 2 आवर में स्टार्ट कर दें और इंसिडेंट को एक निश्चित फॉर्मेट में भरकर क्वालिटी डिपार्टमेंट में जमा अवश्य करें।